ओम साई राम आप सभी के लिए। आप सभी कैसे हो? आज दोपहर के संदेश में बाबा ने बताया है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर विद बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं, हमारे साईं बाबा ने सबसे कहा है, मेरे बच्चे समय से पहले कुछ नहीं हो सकता, कभी भी ना ही समय से पहले कुछ हो सकता है और ना ही समय के बाद कुछ हो सकता है। जब जिस चीज़ का समय आता है ना, वो कार्य खुद पे खुद सवरने लग जाता है, और जब तक जिस चीज़ का समय नहीं है उस चीज़ को लाख कोशिश करो तुम करने की, उस चीज़ में तुम्हें कामयाबी, उस कार्य में तुम्हें कामयाबी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका समय नहीं आया है। इसी प्रकार समय से पहले कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है और ना ही समय के बाद कोई कार्य सफल हो सकता है। जब जिसका समय है वो समय के अनुसार स्वतः ही होने लग जाएगा, चाहे तुम किसी भी दिशा में चल रहे हो मेरे बच्चे, लेकिन समय जब किसी कार्य को करवाएगा तुमसे तो तुम्हें खुद पे खुद समय उस कार्य की तरफ ले जाएगा। तुम किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, तुम जमाने में पीछे नहीं हुए हो, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। जब समय आ जाएगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें इतना आगे ले जाएगा समय कि सब देखते रह जाएंगे। इसलिए किसी को लेकर कैसी भी चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज तुम्हारे हृदय में ये जो चलता है कि सब तुमसे आगे निकल गए हैं, जमाना क्या कहेगा कि ये फिजूल ऐसे ही घूमता है, ये कोई काम धाम नहीं करता है। मैं सबकी जानता हूँ मेरे बच्चे, कौन कहाँ तक सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे तुम मत सोचो किसी के बारे में, जिसको जो सोचना है सोचने दो, सोचने के लिए मैंने ये दुनिया बना दी है। इस दुनिया को सोचने दो तुम अपने, इस दुनिया को सोचने दो तुम अपने बारे में। देखा, तुम कहते हो दुनिया ख्याल नहीं रखती है, दुनिया ख्याल रखती है ना तुम्हारा, तुम्हारी चिंता करती है ना ये दुनिया, खुद सोचती है तुम्हारे बारे में। तुम कोई भी गलत कार्य कर देते हो तो ताने देते, तुम्हें सही राह को दिखाने की कोशिश करती है। तुम अच्छा कार्य करते हो तो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। करती तो है ना दुनिया, कुछ ना कुछ तुम्हें सिखाती जरूर है ना। तो इसलिए मेरे बच्चों, दुनिया की और समाज की फिक्र छोड़ के तुम्हें जो कार्य मैंने सौंपा है उस कार्य में एकजुट हो जाओ। तुम एकत्रित होकर अपने मन मस्तिष्क को एकत्रित करके उस कार्य को करो। समय आने पर मैं स्वयं कर दूंगा। ना ही तुम इतना अपने आप को उदास रखा करो और ना ही अपना मन इतना चिड़चिड़ा, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण पाया करो मेरे बच्चों, क्योंकि क्रोध हर चीज़ का हल नहीं है, हर बात का हल क्रोध नहीं हो सकता है मेरे बच्चे। इसलिए अपने आप को गुस्सा के हवाले ना करें। क्रोध जितना आएगा उतनी ही तुम्हारे अंदर से बड़ी बड़ी बातें निकलेंगी, अहंकार पैदा हो जाएगा तुम्हारे अंदर मेरे बच्चे। और अहंकार पैदा करना कोई अच्छी बात नहीं है ना मेरे लाडले, तो अहंकार को क्यों जन्म देना चाहते हो तुम? इसलिए ना ही तो क्रोध को जन्म दो मेरे बच्चे, ना ही अहंकार को जन्म दो। बस देखते चलो क्या होता है। अपनी साईं माँ पर आस्था विश्वास रखो, अपनी साईं माँ पर अड़िंग विश्वास बना लो। तुम्हें कभी हार नहीं मिलेगी। तुम्हारी जीवन में परीक्षाएं जैसे खेल अभी चल रहे हैं मेरे बच्चे, परीक्षा एक खेल है मेरे बच्चे, ये सबका चेहरा दिखाती है तुम्हें, कौन कितना समझता है तुम्हें। तुम्हारे कुछ चेहरे ऐसे थे ना तुम्हारे अपनों के, जिनको तुम समझ नहीं पा रहे थे। ये जो इस बार जो मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, सबके चेहरे दिखा दिए हैं ना मैंने तुम्हें, और जो बच्चे हैं ना वो भी सामने आ जाएंगे अब मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वास्तविकता में कोई नहीं है। यहाँ तुम्हारे पीछे प्रत्येक इंसान षड्यंत्र रचता रहता है, हर पल तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। बस तुम्हें वो गिरा दें उनको बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन मैं हूँ तो कैसे गिर जाओगे तुम मेरे बच्चे। उनकी जिद है तुम्हें गिराने की और मेरी जिद है तुम्हें उठाने की। तो देखते हैं मेरे बच्चे किसकी जिद पूरी होती है, तुम्हारे विश्वास की या फिर उन सब की। यही मुझे देखना है। तुम मुझ पर विश्वास रखोगे ना
तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार करूँगा। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, चमत्कार भी मैं समय के अनुसार ही करूँगा। समय आ जाएगा ना, तेरे जीवन में स्वतः ही चमत्कार चालू हो जाएंगे। अब तू ये सोचेगा कि समय का इंतजार करें तो बाबा हम आपसे फरियाद क्यों करें, और जो हम आपसे फरियाद करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है। मेरे बच्चे, उसके भी अनेक फ़ायदे होते हैं। तुम्हारी राह में जो भी कष्ट आते हैं ना, वो बहुत बड़े से बड़े कष्ट आते हैं, उनका थोड़ा सा भाग ही तो मैं तुम्हें देता हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े बड़े कष्टों को मैंने आते हुए देखा है, और देखा ही क्या है मैंने बच्चे, मैंने उनको रोका भी है, उनका कुछ भाग तेरे पास तक जाने दिया है, क्योंकि कर्मों के फल के अनुसार कुछ भाग तो अवश्य जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन मैंने सारे कष्ट तेरे पास नहीं भेजे हैं मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करना। मैंने खुद तेरे कष्ट ले लिए हैं अपने ऊपर। मैं तुझे कष्टों को सबको दिखाऊंगा। जिस दिन मैं तुझे दर्शन दूंगा ना, तेरे हर कष्ट को मैं तुझे गिनाऊंगा मेरे बच्चे, कि मैंने तेरा ये वाला कष्ट इस समय अपने ऊपर लिया था, सब बात गिनाऊंगा तुझे। तू ही तो कहता है नाज कि बाबा तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊँ। मेरे बच्चे, जितना तुझे इंतजार है ना मुझसे मिलने का, मेरे दर्शन का, उतना ही मुझे भी है तुझसे बातें करने का। तू अपना विश्वास बनाए रखना, तोड़ना मत। मुझे एक बार जरूर तुझसे मिलना है, मुझे बातें करनी है तेरे से बहुत सारी। मैंने कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा है मेरे बच्चे, तू बस विश्वास ना तोड़ना। जितना तू विश्वास मुझ पर बना लेगा, उतना ही आसान तेरा जीवन कर दूंगा मैं मेरे बच्चे। मुझ पर विश्वास ही बनाना बहुत कठिन बात है, और जो बना लेता है ना मुझ पर विश्वास, उसके उसके जीवन को मैं, उसके भविष्य को उजागर कर देता।